हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइट पे फ्रिक्वेंटली यूज करे जाने वाली मशीन यानी कि कंक्रीट पंप के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे आपका जो टीएम मशीन और इजेक्ट मशीन डायरेक्टली जाकर कास्ट नहीं कर पाता है, हो सकता है कि वहाँ पे स्पेस नहीं हो या फिर जो आपका स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको कास्टिंग करनी है वो हो सकता है कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो। इन दैट केस हम वहाँ पे या तो बूम प्रेशर यूज़ करते हैं या फिर कॉन्क्रीट पम्प यूज़ करते हैं। बट इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉन्क्रीट पम्प के ऊपर। में वेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि बूम प्रेशर को भी ऑन साइड किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो आप यहाँ पे सपोर्टिंग मशीन देख रहे हो जिसके थ्रू हम कास्टिंग कर पा रहे हैं, इसका नाम है कॉन्क्रीट पंप। यहाँ हमारा स्पेस का तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारा जो हाइट है, जो वॉल का हाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे हम डायरेक्टली टीएम मशीन या एजेक्ट मशीन से कॉन्क्रीट नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ा कि हम वहाँ पे कॉन्क्रीट पंप लेकर आए। तो इस वीडियो में आपको मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ये रहता है कि अगर जहाँ पे स्पेस काफ़ी कंजेस्टेड होता है वहाँ पे ईजिली हम इस कॉन्क्रीट पंप के थ्रू कास्टिंग कर सकते हैं। और जैसे मैंने सपोर्टिंग मशीन इसलिए इसको बोला क्योंकि आपका जो कॉन्क्रीट है वो बैचिंग प्लांट से ही निकल कर आएगा, टीएम मशीन में आएगा, बट टीएम मशीन डायरेक्टली कास्ट नहीं करके हम लोग कॉन्क्रीट पंप को वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब क्या है कि इससे कितना हाइट या कितने दूर तक, मतलब हॉरिजॉन्टली आप कितने दूर तक कास्ट कर सकते हो और वर्टिकली मतलब कितने हाइट तक आप कॉन्क्रीट पंप से कॉन्क्रीट पहुँचा सकते हो अपने स्टेशन में, यानी कि जहाँ पर आपको कास्ट करना है, वो जान लेते हैं। तो इसकी जो वर्टिकल हाइट जाती है वो अराउंड 80 मीटर, मतलब 80 मीटर हाइट तक आप इस कॉन्क्रीट पंप से अपने कॉन्क्रीट को जहाँ पे कास्टिंग करना है आप उसको ईजिली डिलीवर कर सकते हो। और अगर हॉरिजॉन्टली बात करें, सीधा में बात करें, तो ये कम से कम 400 से 450 मीटर तक आपके कॉन्क्रीट को डिलीवर कर सकता है। और मैंने जैसे बोला कि जहाँ पे स्पेस कम होता है, आपका टीएम मशीन डायरेक्टली नहीं जाता है, यहाँ पे ये कॉन्क्रीट मशीन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। सो गाइज, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इन दैट टाइम जब आप कहीं पे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की इंटरव्यू को फेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो आपका पिस्टन है या फिर जो आपका ये पाइप आप देख रहे हो उसका जो डाया है वो कितना रहता है। तो वो रहता है 200 mm, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, 200 mm रहता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये कितना कॉन्क्रीट डिलीवर कर सकता है, डिस्चार्ज कर देता है, तो इट्स 73 mq/h। अगर आपका जो सिंगल स्ट्रोक है उसमें ये डिलीवर करेगा 73 mq/h। उसके बाद है कि आप इसको किस हाइट तक कॉन्क्रीट इस पंप कॉन्क्रीट पंप के थ्रू डिलीवर कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट कितनी रहने वाली है। तो मैक्सिमम हाइट रहती है अराउंड 80 meters। एंड अगर आप हॉरिजॉन्टली बात करें कि कितने दूर तक ये कॉन्क्रीट पंप हॉरिजॉन्टली कितने दूर तक कॉन्क्रीट को डिलीवर करेगा, तो वो करेगा 400 meters। अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि जिस जगह पे आप डायरेक्टली अपने एजेक्ट मशीन या टीएम मशीन से कॉन्क्रीट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये कॉन्क्रीट पंप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये तो हो गए आपके कॉन्क्रीट पंप के कुछ एडवांटेजेस एंड स्पेसिफिकेशन। अब मैं इसके डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ना गाइस, कि इसका चोक होना। हम लोग क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाने के लिए चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में कंक्रीट को डिलीवर करो या हॉरिजॉन्टली, हमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ पाइप्स बढ़ाने या पिस्टन जिसको बोलते हो उसको बढ़ाना होता है ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड लेंथ या हाइट है वहाँ तक हमारा कॉन्क्रीट पहुँच जाए। लेकिन क्या होता है कि जब इसमें कॉन्क्रीट आता है तो कभी कभी बीच में क्या होता है ना, आपका कॉन्क्रीट जाम हो जाता है, जिसे साइड पे कहते हैं कि आपका पाइप चोक कर गया, मतलब कि किसी पाइप के किसी पार्ट में क्या हो गया कि कॉन्क्रीट भर गया, अब कॉन्क्रीट आगे पास नहीं कर रहा है। और दोस्तों, ये जो सिचुएशन कास्टिंग के टाइम में आता है ना, ये बहुत बुरा होता है, मतलब इसको फिर ठीक करने में ना कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाता है। मतलब इसको ठीक करने के लिए पूरी एक टीम रेडी होती है साइट पे कि अगर पाइप चोक करेगा तो उसको ठीक करेंगे, एंड फिर भी 3 से 4 घंटा लग जाता है इसको फिनिश करने में। इसको ठीक कैसे करते हैं कि एक टीम मेंबर क्या करता है, हैमर लेता है और कॉन्क्रीट पंप को स्ट्रोक करके पता करता है कि किस जगह पे आपका कॉन्क्रीट चोक हुआ है। फिर क्या होगा, उसको पूरा खोला जाएगा वहां तक 1 by 1। उसके बाद क्या है कि सबसे एक और चीज क्या है कि जब उसको
खोलते हैं ना तो भी आपको सेफ्टी मेजर्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो कॉन्क्रीट वहाँ पे चोक करके रखा है वो काफ़ी प्रेशर में बाहर डिस्चार्ज होता है जब आप उसको खोलोगे। तो मैंने जैसे बोला कि इसकी पूरी एक टीम होती है जो इस काम को करती है, जब ये कॉन्क्रीट चोक करता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है वापस इसको ठीक करने में, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे जैसे आप इसका प्रेशर बढ़ाते हो इसका जो वॉल्यूम मतलब जो डिस्चार्जिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा घटता चला जाता है। तो ये दो डीमेरिट्स हो गए कॉन्क्रीट पंप के। तो होप मैंने यहाँ पे जो कॉन्क्रीट पंप से रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक यानी कि कॉन्क्रीट पंप से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अदरवाइज अगर टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।